प्यारे दोस्तों, संडे के दिन हमारी तरफ से 5 GBB विनर्स को पेटीएम कैश मिलेगा। GBB जीतने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, वीडियो को लाइक और एक दोस्तों कमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका नाम टेलीग्राम चैनल पर संडे के दिन आ जाएगा और आपको हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेटीएम कैश मिलेगा। जितना प्यार दोस्तों आप हमको दिखाओगे, उतना दोस्तों हम GBB का प्राइस बढ़ाते चलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर लीग बेसबॉल के बारे में। ये जो मैच होने वाला है HJS वर्सेस SEM के दरमियान, इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ की प्लेयर्स के निवस, प्लेयर स्टेटस, टॉप ग्रैंड लीग टीम्स, साथ ही साथ टॉप क्लास कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मैच से जुड़ी कोई भी जानकारी और लाइनअप्स निकलने के बाद फाइनल टीम्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप हमसे हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और GBB के लिए भी दोस्तों आपको टेलीग्राम पर एक्टिव रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम दोनों टीम्स की रिसेंट परफॉर्मेंस पर और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों लास्ट 5 मैच की अगर हम बात करेंगे, दोनों टीम्स ने दोनों टीम्स ने अच्छे मैच जीते हैं। SEM ने 5-5 जीते हैं, वही दोस्तों इसने लास्ट 5 मैच में 4 मैच जीते हैं। तो इसका मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की बहुत ही बेहतरीन है और ये भी कांटे का टक्कर होने वाला है। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। दोस्तों HJS ने लास्ट 5 मैच में, जो कि हेड टू हेड 5 हुए हैं, 4 मैच जीते हैं। सिर्फ एक मैच दोस्तों यहां पर SEM की टीम जीत पाई है। तो थोड़ी सी यहां पर अगर हैवी टीम की बात करेंगे तो HJS की रहेगी, लेकिन दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग टीम्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिटेल में। आप बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग टीम्स हैं और दोनों टीम्स के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा कैप्टेंसी ऑप्शन है हमारे पास। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम पिचर सेक्शन की, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, दो ही खेलते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से दो खेलेंगे। पहले ही बता दूंगा, टेंशन मत ले लो। JVerlander ये खेलेगा और कैप्टेंसी के लिए बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, कोई इसमें मतलब शक नहीं है। एल गिबर्ट खेलेगा और कैप्टेंसी के लिए बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप 6 टीम्स के साथ खेलना चाहते हो ना, तो दोनों जो मतलब पिचर्स है दोनों को कैप्टन ज़रूर ट्राई कर लेना। अगर आप एक ही टीम के साथ खेल रहे हो ना, फिर भी एक पिचर को कैप्टन ज़रूर ट्राई कर लेना या वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शंस है बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शंस है और कैप्टनसी के लिए ठीक रहेंगे। 10+ इनकी बैटिंग एवरेज है और आपको तकरीबन 25 से ज़्यादा स्कोर करके दे सकते हैं, 25 पॉइंट्स से ज़्यादा सॉरी दोस्तों 25 पॉइंट्स से भी ज़्यादा ये आपको स्कोर करके दे सकते हैं। ये इनका एवरेज है और तकरीबन ठीक ठाक ऑप्शंस है। और बच्चे जो कैचर सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ से भी दो ऑप्शंस के खेलने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों एक तो मेरे अंदाज से MLendo ये को खेलते हुए नज़र आ सकता है और CRelegge, दोनों की बात करेंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ठीक तो है नहीं, लेकिन हम इनको एज अ प्लेयर टीम में ले सकते हैं। हाईली रिस्की ग्रैंड टीम्स में इनको वाइस कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। बैटिंग एवरेज 5+/10 इनकी लाइक करती है, आप इनके साथ जा सकते हो एज ए प्लेयर। बट दोस्तों हाईली रिसी ग्रैंड लीग में आप इन दोनों को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। हो सकता है इन तीन में से तकरीबन तो आपको दो ऑप्शन खेलते हुए नज़र आ ही जाएंगे। ये तीन ऑप्शन है, CRelegge की तो तकरीबन कन्फर्म ही खेलेंगे, लेकिन सिर्फ वाइस कैप्टन ठीक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई मत करना ज़्यादा। दोस्तों आपको सिंगल रन, स्टोलन बेस या फिर डबल रन इनसे मिल सकता है। अब बात करते हैं आउटफील्डर सेक्शन की। दोस्तों आउटफील्डर सेक्शन में सबसे पहले ऑप्शन आपको केटो कर देखने को मिल जाएगा। इसने दोस्तों अभी तक इस लीग में लास्ट के मैच की अगर हम बात करेंगे, 5 होम रन स्कोर किए हैं, सिंगल रन आपको आसानी से स्कोर करके दे सकता है, ठीक ठाक ऑप्शन है। और आप चाहो तो हाईली रिस्क की ग्रैंड लीग टीम में इसको कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मैनिंगर की बात करते हैं, इसने अभी तक 4 होम रन स्कोर किए हैं, सिंगल रन डबल रन भी स्कोर कर सकता है। JRogatis कैप्टनसी के लिए टॉप क्लास ऑप्शन रहने वाला है, बेहतरीन ऑप्शन है। अभी तक 8 होम रन स्कोर कर चुका है, डबल रन, स्टोलन बेस, ट्रिपल रन आपको स्कोर करके दे सकता है, रन्स बैटेड रन, रन स्कोर्ड, तो बेहतरीन ऑप्शन है, बिल्कुल भी मिस मत करना। 15+ इसकी बैटिंग एवरेज है।
एम्ब्रेंटली नॉर्मल ऑप्शन है, अगर खेलेगा भी तो नॉर्मल तरीके से काम करेगा। जे विंकर दोस्तों पिछले साल बहुत धूम मचाई थी, लेकिन अभी इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत डाउन और ख़राब चल रही है, इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं है इस पर। सी एम सी कॉर्मिक की बात करेंगे, इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रही है, 10 से ज़्यादा आपको ये एवरेज के हिसाब से पॉइंट स्कोर करके दे सकता है। अगर आप नॉर्मल ऑप्शन लेना चाहते हो, ठीक ठाक ऑप्शन है, फिर ले सकते हो इसको। इसके अलावा डी मोरी अगर खेलेंगे, ये आपके लिए ठीक ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर पिकअप मत करना, ये सारे मतलब उतने अच्छे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्लेयर्स नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इनफील्डर सेक्शन की, यहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गिव अवे जीतने के लिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर दे अगर आप हमारा दिल खुश करना चाहते हो, ज़बरदस्ती नहीं है। ई सुरेश दोस्तों इसके हवाले से अगर आपको जानकारी दूं, 8 होम रन स्कोर कर चुका है, कैप्टनसी के लिए ठीक भी रहेगा और बाकी तरीके से भी आपको स्कोर करके दे सकता है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी तकरीबन ठीक ठाक चल रही है, बैटिंग एवरेज ठीक ठाक है, तो ठीक ही है। वाई एलवरीज इससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये आपको डबल रन भी ट्रिपल रन भी स्कोर करके दे सकता है, अभी तक ये भी 8 होम रन स्कोर कर चुका है, ठीक ठाक ऑप्शन ये भी है। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों स्टोलन बेस, सिंगल रन, डबल रन उतना मतलब इससे आप उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन ठीक ठाक ऑप्शन है, ट्रिपल रन भी कर सकता है। टी फ्रांस की बात करते हैं, टी फ्रांस ने दोस्तों अभी तक 8 होम रन स्कोर किए हैं, ये तीनों टॉप ऑप्शन से टॉप लिस्ट में आते हैं। जे एलेटियो ये दोस्तों मेरा एक प्यारा ऑप्शन है, प्यारा प्लेयर है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, हर मैच में दोस्तों तकरीबन कुछ ना कुछ तो स्कोर करता ही रहता है, मैक्सिमम दोस्तों ड्रीम टीम में आता रहता है, चाहे ये 7 ही पॉइंट स्कोर करेगा ना तब भी ये ड्रीम टीम में आता है, ये इसकी खासियत है। और अभी तक देखा जाए होम रन भी, डबल रन भी, ट्रिपल रन भी स्कोर कर चुका है, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिस तरीके से ये स्कोर नहीं करता है। तो मेरे अंदाज़ से ये वाइस कैप्टन अगर चाहो तो हेड टू हेड में लगा सकते हो, स्कोर तो करेगा ही करेगा। ये टीम इन एक कंसिस्टेंसी है इसमें, टीम इनानची ठीक ठाक ऑप्शन है, ब्रिगमान अगर खेलेगा तो नॉर्मल ऑप्शन है। जे कैरफर्ड, क्रैफर्ड की बात करेंगे, पिछले साल बहुत बार ड्रीम टीम में आया था एज ए कैप्टन, ड्रीम कैप्टन, बट अभी कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर, सेंटाना को नॉर्मल प्लेयर ले सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो रिसेंट है वो बहुत ख़राब है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन के साथ दोस्तों जाने की गलती मत करना। इस मैच के जो फाइनल टीम्स है टेलीग्राम पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल आप दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड गुड नाइट भी बोल दूँ तो कोई गलती नहीं है, गुड नाइट।